गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 जो मैंने कल बताया था लेक्चर नंबर 9 के एंड में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड की कोई 2021 के जो आपका पेपर होगा इस साल का, उसमें आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, नहीं तो फिर ये कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में अपना एक पर्टिकुलर स्टार बना के रखती है। इसके अलावा इसका जो तीव्रता वितरण वक्र है बहुत सारे कंपटीशन कॉर्नर के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा इसका जो सूत्र है वो भी बोर्ड के अंदर एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो हम इनकी इस टॉपिक को गहनतापूर्वक अध्ययन करते हुए आगे की ओर चलेंगे। बिना किसी देरी करते हुए हम अपने लेक्चर सीरीज को आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पूरा गहनतापूर्वक समझना तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा, और ये टॉपिक बोर्ड के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने पास, ये बोल रहे हैं समरूप आवेशित आचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या निकालना है, एक आचालक गोला है उसके कारण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि माना एक आर त्रिज्या का एक गोला है, ये मैंने मान लिया कि एक आर त्रिज्या का गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश जो है वो एक समान रूप से क्या है उसके आयतन में वितरित है। ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है तो उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, ये प्लस क्यू आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। तो मैंने माना आर त्रिज्या का एक आचालक गोला जिसके आयतन में कैपिटल प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अतः आयतन आवेश घनत्व, ये हमारे पास रो जो होगा वो कितना हो जाएगा, आवेश बटे में आयतन। तो आवेश हमारे पास कितना है क्यू, आयतन कितना है इस गोले का, अगर त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी इसकी, सॉरी कैपिटल आर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो हमारे पास कितना जाएगा 3Q/4π कैपिटल आर की क्यूब। ये हमारे पास उसका आयतन आवेश घनत्व आ चुका है। आयतन आवेश घनत्व आने के बाद हम क्या करेंगे, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, बिंदु P की स्थिति के आधार पर इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। लिखते हैं पहले इसको लाइन को, बिंदु P की स्थिति के आधार पर इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब तीन भाग कौन कौन से, पहला भाग हमारे पास ये स्पष्ट हो जाएगा आचालक गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये जो बिंदु P है वो इस गोले के बाहर स्थित है, ये हमारे पास बिंदु P।
इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, स्मॉल आर दूरी को, स्मॉल आर दूरी है उसको क्या मानेंगे, त्रिज्या मानते हुए, मानते हुए एक गोलीय गाउसियन, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो ये हमने मान लिया। पहले तो मैं पॉइंट बहुत क्लियर ले रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये कवर हो सके, तो ये हमारे पास बिंदु थी। अब आदमी को तृतीय मानते हैं, मैंने क्या बना दिया, एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना दिया। अब गोलीय गाउसियन पृष्ठ है और हमने क्या मान लिया, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर डी अल्पांश की कल्पना की। ये तो डी अल्पांश है, ठीक है, वो क्या है, बिंदु पी पर स्थित है, इस गोलीय गाउसियन गाउसियन पृष्ठ पर डी अल्पांश की कल्पना की, जो कि बिंदु पी पर स्थित है। तो हमारा यह जो बिंदु है वो बिंदु पी पर स्थित है, डी अल्पांश। तो ये जो डी अल्पांश है, इस डी अल्पांश का एरिया वेक्टर त्रिज्या दिशा में लंबवत बाहर की ओर, तो ये हमारे पास डी ए इंटू डॉट एन कैप कह सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास डी अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होता है इस तरफ, और प्लस आवेश की कारण तीव्रता जो होती है वो भी क्या होती है, त्रिज्य दिशा में लंबवत बाहर की ओर जाती है। तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता इस तरफ लंबवत बाहर की ओर जाएगी। तो हमारे पास देखो तो ई वेक्टर और ई वेक्टर और ए वेक्टर की वजह थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ई वेक्टर पैरेलल है डी वेक्टर डॉट एन कैप के, अतः थीटा बराबर जीरो डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या लगेगा बेटा, स्थिर विद्युतिकी के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए, वैद्युतिकी के लिए गाउस की समीकरण वो क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो समीकरण है, समीकरण इसको भी कर लेंगे हम, दो की दो समीकरण एक थी। अब समीकरण दो के एलएचएस और आईएचएस को हल करके हम क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू के एलएचएस भाग को हल करने पर, एलएचएस भाग को हल करेंगे तो यहां पर कितना क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हमें इसको खोलना है तो क्या जाएगा बेटा, ई डी ए और कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो मान एक होता है, ई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल क्लोज क्योंकि गोले सरफेस एक ही है और वो भी पूरा क्या है, बंद। तो हमारे पास इस गोले का प्रश्न क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है गोले का प्रश्न क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो होता है फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कितना जाएगा, E इज इक्वल टू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के आर एच एस भाग को गलत है, भाग को हल करने पर आर एच एस भाग को करेंगे तो कितना आएगा, समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू इनसाइड मतलब इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ था उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये दे दी मैंने इक्वेशन कितनी, थ्री, ये दे दी इक्वेशन नंबर फोर। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको, इक्वेशन थ्री व इक्वेशन फोर का मान इक्वेशन टू में रखने पर, इक्वेशन टू में अगर उसका मान रखेंगे इधर कितना आ जाएगा, ई इसको लिख सकते बेटा आउटसाइड, केवल हम आउटसाइड लिखेंगे क्योंकि बाहर बिंदु था, आउटसाइड फोर पाई आर स्क्वायर, ये तो ये वाला मान था, इस तरफ रख दिया मैंने,
अब इधर वाला जो मान है देखो समेशन की उपनिषद वाला, ये मैं इधर रख रहा हूँ, तो आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सॉल्व करें पी आउटसाइड देखा जाए तो भी आएगा क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर रखता हूँ वन अपॉन आर स्क्वायर। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन में कितना था के, तो के क्यू अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अभी मैं इसको और थोड़ा सरल लिख देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, जिससे नहीं किया तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया जाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका सदिश निरूपण करेंगे। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण देखा जाए तो तीव्रता किस तरफ है, त्रिज्य दिशा में लंबवत बाहर की ओर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर इंटू कह सकता हूं आर स्क्वायर। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर फाइव, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करेंगे, घनत्व के पदों में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर कितना आएगा, यहां से हमें क्या निकालना बेटा, क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान आ जाएगा फोर पाई आर की क्यूब अपॉन में थ्री, और रो इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू। अब ये जो मान है इसको मैं कह रहा था समीकरण नंबर स्टार दे देते हैं, फोर स्टार लगा दिया। अब ये मान मैं यहाँ रख दूं तो कितना आएगा, देखिए E आउटसाइड, सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, K अपॉन में R स्क्वायर, मान रखिए 4 पाई R की क्यूब रो अपॉन में कितना आएगा 3, यहां से आज कर जाएगा स्क्वायर से, तो E आउटसाइड जो आएगा, सॉरी सॉरी मेरे को ये जो गॉसियन पास था उसका एरिया कितना स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पर कितना देगा स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, माफ करना बेटा स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर आ जाएगा, और कोई गलती है नहीं, ये वाला भी स्मॉल आर, और ये क्या देगा स्मॉल आर आ जाएगा, तो बताएगा फोर पाई के आर की क्यूब रो अपॉन में बताएगा आर स्क्वायर थ्री। ये आउटसाइड का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम क्या लगेंगे सेकंड केस, बिंदु P क्या है सतह पर स्थित, सेकंड केस तो हमारे पास है वो क्या कह रहा है, तो बिंदु P सेकंड केस हमारे पास क्या है, जब बिंदु P आचालक, आचालक गोले के बाहर स्थित हो। अब अगर आचालक गोले के सॉरी सतह पर स्थित, सॉरी सतह पर स्थित, मतलब बिंदु P हमारे पास यही होगा, और बिंदु P अगर यही है तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, बी ए एन के तीव्रता भी किस तरफ है, इस तरफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा जीरो, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सरफेस की स्थिति है उसमें स्मॉल आर क्या होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाए। अब हमारे पास जो आउटसाइड का फॉर्मूला है उस आउटसाइड के फॉर्मूले को अगर सरफेस के लिए बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना आउटसाइड के फॉर्मूले में स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर के बराबर रखना है। यहाँ पे कितना देगा के क्यू अपॉन में मेरा फॉर्मूला ये होता हमारे पास आर स्क्वायर, और ये तो कितना होगा आर के अगर सदिश रूप में करना चाहे, ठीक है, और अगर आयतन आवेश घनत्व के पदों में ले, आयतन आवेश घनत्व के पदों में, तो वो कितना होगा ई सरफेस इज इक्वल टू मोड ले लिया इसका, ये हमारे पास कितना देगा रो अपॉन में थ्री एप्सिलॉन नॉट, मैंने वहां पे सॉल्व नहीं किया था, आप इसको कैलकुलेट करके इसको निकाल दें, और कैपिटल आर की क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर काटे तो उसमें कितना हो जाएगा ऊपर आ गया, और रो आर अपॉन में कितना थ्री एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखा जाए इसको और मॉडिफाई करें तो सरफेस जो आएगा हमारे पास वो बता देगा रो आर वेक्टर के बदले में थ्री एप्सिलॉन नॉट, और ये बता देगा आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब जो थर्ड केस हमारे पास है वो क्या कहता है, थर्ड केस कहता है बिंदु पी आचालक गोले के अंदर स्थित हो, इस स्थिति में क्या होगा हमारे पास पॉइंट पी जो है वो अंदर आ जाएगा, पॉइंट पी जब अंदर आएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास पॉइंट पी आ गया,
पॉइंट पी इधर है तो हमें इस पॉइंट पी को परिबद्ध करना पड़ेगा, उसके अंदर का आवेश सी क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के बाहर। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो लेस देन क्या है, कैपिटल आर। तो कर लीजिए देते इस स्थिति में स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए, त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते। जब हम गोलीय गाउसियन के पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो देखो मैं इसको और डार्क करता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड केस ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, जो मेन मुद्दा है वो तीसरा केस ही है, ये ध्यान रखिए। ये हमारे पास बिंदु P को परिबद्ध करने वाला ले लिया, ठीक है। ये तो जो हमारे पास बना है पार्ट, इसके भीतर जो आवेश है वो हम निकाल लिया, तो हमने मानना पड़ेगा, माना गोलीय गाउसियन गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, भीतर उपस्थित आवेश क्यू डैश है। तो इसका मतलब इसके जो भीतर उपस्थित आवेश है वो कितना है, क्यू डैश। अगर यहाँ पे क्यू डैश चार्ज उपस्थित है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं क्लास 11 के गुरुत्वाकर्षण पाठ, गुरुत्वाकर्षण पाठ में हमने अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो उस स्थिति में मैं चीज की थी कि उसका घनत्व प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, समान रहता है। तो घनत्व एक ऐसी क्वांटिटी है जो पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अंदर चलेंगे तो हमें जब गाउसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज लेना पड़ेगा, तो इतने चार्ज को निकालने के लिए घनत्व की क्वांटिटी यूज लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि पूरे गोले पर एक और लेने देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व रो सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। अगर रो सदैव नियत रहता है इसका मतलब रो संपूर्ण गोले के लिए लगाए, रो संपूर्ण गोले के लिए बराबर जितना होगा रोडेस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के लिए। तो संपूर्ण गोले के लिए कितना होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई आर कैपिटल आर की क्यूब। इधर देखा जाए ये कितना होगा, क्यू डेस 4 पाई 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब, 4/3 और पाई 4/3 पाई कर देगा। तो हमारे पास क्यू डेस का मान निकाले तो क्यू डेस का मान क्यू के पदों में कितना आएगा, क्यू बटे गुणा में आर की क्यूब स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर की क्यूब। ये हमने क्या निकाल लिया, जो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश था वो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, वापस वही लगाएंगे स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस के समीकरण, चलते अतः स्थिर विद्युतिकी के लिए, विद्युतिकी के लिए गॉस की समीकरण, वो समीकरण क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल पी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन क्यू इन साइड अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास समीकरण दे दी इसको मैंने इस केस की दूसरी समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलएसएस भागफल करेंगे, तो इक्वेशन 2 के एलएसएस भाग को हल करने पर एलएसएस भागफल करेंगे तो क्यू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के, तो भी हमने क्या कर दिया एक डीएल पांच की कल्पना कर दी, डीएल पांच की कल्पना की तो एरिया वेक्टर किस तरफ है,
के कॉन्ट्यूर का इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ, तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। एक बात सुनना, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज बात कहना हूँ कि जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर चार्ज है टू डेप्थ उसी का योगदान होगा, इसमें बाहर आवेश उपस्थित है उसका कोई योगदान नहीं होगा। सिंपल सा तरीका समझना है तो बेटा, एक प्याज देखा कभी आपने, मान के चलते हैं कि प्याज के बाहर का जो कचरा है हमें उसका कोई योगदान नहीं लेना, हमें प्याज के अंदर था प्याज है उसको यूज करना, तो हम क्या करते हैं प्याज को चाकू से कोर से काट के उसको छोड़ लेते हैं, जब काटते हैं उसको तो ऊपर वाला पार्ट है कोर वो हट जाएगा, तो हमें बस अंदर वाले पार्ट से लेने देना, बाहर वाले कचरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार की घटना यहाँ ही हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस चार्ज का कोई योगदान नहीं है तो मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के लिए इसका कोई योगदान नहीं होगा, मतलब मिटा दिया हमारे पास, तो वापस वही गोला बन चुका है, तो क्योंकि पहले इसके अंदर गोला कम है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, तो ये हमारे पास ठीक है। तो हम चलते हैं इसके अंदर ई वेक्टर और डी वेक्टर की इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो ई वेक्टर डी वेक्टर की इंटेंसिटी का क्लोज इंटीग्रल ई इनसाइड इन लीजिए और डी इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है, तो ई इनसाइड बाहर निकल जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब इसका पूरा समाकलन कितना आ जाएगा, ई इनसाइड हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या रखें इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 2 के आरएचएस भाग को हल करने पर, आरएचएस भाग को करेंगे समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना देगा एप्सिलॉन नोड, इनसाइड कितना है क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नोड, क्यू डैश एक अननोन टर्म है हमें उसका मान पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यू डैश को क्यू के पदों में लाना है, तो क्यू डैश को क्यू के पदों में हम यहां लेके आ गए थे, तो ये मान हम रख देते हैं इसके अंदर रुकेगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये क्वेश्चन दे दी 3, इसको दे दी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये मान जो हमारे पास सॉरी ये मान हमें क्या कर दिया इसके अंदर रख दिया, तो लिख देते बेटा इक्वेशन 4 में 3 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तू में इतना परिवर्तन कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा e इनसाइड 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब अपॉन में स्मॉल कैपिटल r की q। इस फैक्टर को मैं यहां लेके आता हूं, ये टर्म मैं हटा रहा हूं ठीक है, इधर वाला थोड़ा पोर्शन चलते आगे देखो, इनसाइड तो फॉर्मूला होगा उसके अंदर मैंने क्या कर दिया क्यू और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पैरेलल कर दिया, उसके बाद क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर की क्यू बटे में कितना आएगा क्यू कट गए इसमें, तो ये कितना आएगा ई इनसाइड जाएगा वो के क्यू अपॉन में आर की क्यूब और एक आर बच जाएगा यहाँ पर, और अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो तीसरी दिशा में लंबवत बाहर की ओर होगा, तो के क्यू अपॉन में कितना देगा आर की क्यूब आर सॉरी आर इंटू कितना आएगा आर के, तुम सब जानते हो बेटा एकांक सदिश क्या होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण, तो यहाँ पे ये परिमाण ही है, परिमाण को हमने मोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आर इंटू आर कैप कितना जाएगा आर वेक्टर, यहाँ पे लिख सकता हूँ ई इनसाइड जो आएगा फॉर्मूला वो कितना आएगा के क्यू अपॉन में आर की क्यूब और ये कितना जाएगा आर वेक्टर आर, ये हमारे पास इक्वेशन जल्दी में लिखती है 5। अब हम इस जो रो का मान है वो भी हम यहां से रख देते हैं, सॉरी क्यू का मान जो है वो रो के पदों में देते हैं, तो हमारे पास रो के पदों में व्यक्त करने पर, रो के पदों में व्यक्त करने के लिए मैंने ई इनसाइड ले लिया, ई इनसाइड हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने के को खोल दिया, क्यू का मान हमने रखना है, ये हमारे पास आर की क्यूब और आर वेक्टर पड़ा है। अब रो का जो क्यू का मान है वो कितना है 4 पाई ये हो गया रो आर की क्यूब बट्टे में कितना आ रहा है 3 इंटू कितना आएगा आर वेक्टर, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई इनसाइड कितना आएगा इंटरसेक्टिंग सूत्र इनसाइड आएगा रो अपॉन में रो आर अपॉन में कितना आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हमारे पास था वो अंदर वाला केस भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे तीव्रता वितरण वक्र, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है तीव्रता
वितरण वक्र। तीव्रता वितरण वक्र में मैं पहले आपको तीन केस लिख दिया, लिखा दिखा देता हूँ, लिखे लिखे हुए यहाँ पे। ये क्या कहता है, आर जब बाहर होता है तो इंटेंसिटी आउटसाइड का केस लगता है, आउटसाइड का फॉर्मूला ये होता है और ये। यहां से देखा जाए बेटा स्मॉल आर कॉन्स्टेंट नहीं पर कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये टर्म सारा कॉन्स्टेंट है, तो और इधर देखा जाए तो ये भी टर्म कॉन्स्टेंट है, तो ई आउटसाइड जो है उसका जो मोड ले, मोड लेने पर वो क्या है, दूरी के स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहां देखा जाए बेटा स्मॉल आर आई नहीं रहा, उसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा, जिसमें स्मॉल आर आ रही है, इसमें स्मॉल आर आ रहा है तो देखो ये टर्म कॉन्स्टेंट है, ये भी टर्म क्या है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ई इनसाइड का जो केस है उसमें तीव्रता क्या है, दूरी के समानुपाती। चलो बनाते तीव्रता वितरण वक्र। सबसे पहले मैंने इधर वाई एक्सिस लिया और इधर क्या ले लिया, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने क्या बना दी, तीव्रता बनाएंगे, यहाँ पे तीव्रता, तीव्रता इसमें होती है न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन में मीटर में होती है। एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिए, यहां पर आर बराबर कितना है जीरो, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या है बराबर, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा स्मॉल आर कैपिटल, इधर क्या होगा स्मॉल आर बड़ा होगा और इधर स्मॉल आर क्या होगा छोटा होगा, वही केस इसमें लगेगा, इधर भी स्मॉल आर छोटा है और इधर क्या स्मॉल आर बड़ा है। यहाँ पे देखा जाए स्मॉल आर पे तीव्रता है वो कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट भी कितनी है, कॉन्स्टेंट का जो मान है ई सरफेस, मैं आपको लिख रहा हूँ समझना इस चीज को, लिखी हुई क्वांटिटी वही है जानकारी, ठीक है, और रो आर अपॉन होता है 3 एप्सिलॉन। अब बात करें आउटसाइड पे, तो हमने यहां से बूझ दो सारा वक्र, इधर भी देखा जाए तो ये चीज भी क्या सरफेस पे कॉन्स्टेंट, सॉरी इधर ये भी क्या कॉन्स्टेंट क्वांटिटी देगा। अब बात करते देखो आउटसाइड की, आउटसाइड का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इधर वाला वक्र चाहिए और इधर देखे इधर वाला वक्र चाहिए, तो आउटसाइड व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आउटसाइड का वक्र आ चुका और है, और इधर क्या कह रहा है, आउटसाइड में क्या होती है 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इधर ये आउटसाइड देखा जाए 1/r के व्युत्क्रमानुपाती। बात करें इनसाइड में, तो इनसाइड में सेंटर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेंटर से बढ़ना स्टार्ट हो रही है, तो सेंटर से समानुपाती रूप बढ़ेगी, तो सेंटर इनसाइड का मैटर ये रहा, इनसाइड का मैटर ये रहा, तो यहाँ पे इनसाइड में तीव्रता ऐसे बनेगी और ये भी क्या बनेगी ऐसे, तीव्रता ऐसे जा रही है, पहले सेंटर से तो जाएगी तो बढ़ती जाएगी और सरफेस वक्र मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद बाहर अंदर जाएगी, बाहर निकल जाएगी गोले से, तो ये क्या हो जाएगी घटना स्टार्ट हो जाएगी 1/r² की फॉर्म से। और अगर उसको गोले के रूप में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे मैं एक गोला बना रहा हूँ, इसकी त्रिज्या यहाँ ये मानिए, देख लो ये गोले के अंदर है पार्ट और ये गोले के बाहर स्थित पार्ट। ये आज का हमारा तीव्रता वितरण वक्र था, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो कह रहा है समरूप आवेश चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो गोलीय कोर्स जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में था ये बेटा, उसके टॉपिक की डिप्टो कॉपी है, मतलब आपको वो याद करना है, इस टॉपिक को समझना है, इसकी कंसेप्ट उसके ऊपर, यानी कि उसकी जो थ्योरी है वो इसके ऊपर कैसे अप्लाइड कर सकते हैं उस चीज को समझना है यहाँ पर, कि जो चालक गोला होते हुए भी मतलब उसके लिए रो ना आकर के सिग्मा आता है, हमें इस चीज के बारे में समझना है। तो देखो हमने क्या माना कि माना चालक गोला है, ये चालक कंडक्टिव गोला है, इस कंडक्टिव गोले पर हमने क्या दिया प्लस क्यू आवेश दिया, तो जब कंडक्टिव गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया तो गोले के अंदर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित नहीं होगा, क्योंकि गोले के अंदर जो उपस्थित आवेश है इनके बीच में इनके मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा, और प्रतिकर्षण बल कार्यरत होने के कारण से ये आवेश अपने से न्यू अधिकतम दूरी पर स्थापित होने का प्रयास करेंगे, इसलिए गोले की वितरित हो जाएगा। ये जो संपूर्ण आवेश होते आर जी गोला था वो क्या चला जाएगा सेंटर से, संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर गोले डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब हम क्या नहीं लगा सकते आयतन आवेश घनत्व लगा नहीं सकते, तो हमारे पास जो रो आएगा इसका, अगर ये क्यू आवेश दिया गया था तो रो जो आएगा हमारे पास वो किस आएगा क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें पृष्ठ आवेश घनत्व ही लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर सिग्मा आएगा बेटा। अब वापस जो हमने साला गोला पढ़ा है, अब वो साला गोला कुछ गोलीय कोष की तरह बन चुका है, तो अगर गोलीय कोष की तरह बन चुका है तो हम क्या करेंगे, इसका गोलीय कोष के फॉर्मूले लगेंगे। और गोलीय कोष के फॉर्मूले आप सबको पता है कि ई अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो ई आउटसाइड का फॉर्मूला जो होता है वेक्टर के बाद हम लिखे हमारे पास कितना आता है के क्यू बाय आर स्केल, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है। सेकेंड फॉर्मूला देखा जाए कि ई आर इज इक्वल टू ई वाले सरफेस पर, तो ई सरफेस की बात करें तो सरफेस पर हमारे पास क्या होता है कॉन्स्टेंट होती है, वो कितना होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू कितना होगा आर कैप, यहाँ पे वेक्टर के बदल ले लेते हैं। अब ई इनसाइड देखी जाए तो ई इनसाइड जो होगा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ई इनसाइड जो होगा वो कितना देगा जीरो वोल्ट अपॉन में मीटर, क्योंकि अगर इनसाइड अगर मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ लेने के बाद बिंदु पी पर हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया तो सारा आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसका मतलब समेशन क्यों जीरो होने के, इससे समीकरण जो हमने पूरा डिप्टो कॉपी वहां पढ़ा था सेम क्वेश्चन डेरिवेशन इसमें उतारना, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि वहां पे तो गोलीय कोष था ना, उसको आपको हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चालक गोला लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। ट्यूब का वितरण वक्र वो का वो उतारना यहाँ पर डिप्टो कॉपी, और ये इसी के साथ हमारे जो गॉस के एप्लीकेशन थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरे अनुसार जो हमारे पास जो रेखीय आवेशित तार है वो वाला पहला, और दूसरा हमारे पास जो कुचालक गोला है, और तीसरा हमारे पास कौन सा अचालक परत, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। बोर्ड में आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी इसकी, मतलब डेरिवेशन के रूप में भी अपना स्थान रखते हैं, और दूसरा इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने की पूरी पूरी टेंशन से रहते हैं। अब हम चलेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो कल स्टार्ट करेंगे वैसे तो, पर वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें भी फिजिक्स मैकेनिक्स यूज आ रही है, मैकेनिक्स तो नहीं कह सकता पर फिजिक्स बहुत अच्छी है उसके अंदर, आपको समझना पड़ेगा उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक, और मैं आशा करता हूँ आप समझोगे भी। आज के हमारे लेक्चर यही समाप्त होती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको क्या करो कमेंट करो। जय हिंद जय भारत।